अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। आज मैंने आप सबके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने की कोशिश की है, जो मैं सुबह सुबह उठ के जितने भी काम करती हूँ, मैंने सोचा कि आपको अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन भी ज़रूर दिखाई जाए। तो बच्चों को उठाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। बर्गर पैटीज निकाल ली हैं क्योंकि आज मैंने भैया रीम को ना बर्गर देना है लंच में, और बस अभी मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। नाश्ता रेडी कर लिया है ये देखें, और यहाँ पे मैंने ना ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने ये पैटीज को ना इसके अंदर करना है फ्राई करके फिर मैं बर्गर बनाऊंगी। और माशाल्लाह से यहाँ पर बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं, मैं किचन में चली जाती हूँ और बच्चे ना खुद ही रेडी होकर ना बाहर बैठ जाते हैं, और हरीम भी खुद ही तैयार हो जाती है, बीहा भी खुद ही तैयार हो जाती है। पर ना इनको मैं सुबह सुबह ना आधा आधा पराठा ज़रूर स्कूल में खिलाकर भेजती हूँ। नखरे तो ये दोनों करती हैं, मम्मा नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन ना मैं इनको खिलाती ज़रूर हूँ, और आधे में से भी ना आधा इन्होंने खाना होता है, पूरा नहीं खाती। चलो जल्दी से बेटा नाश्ता कर लो। यहाँ पर ना मैं ये फ्राई करने लगी हूँ और उसके बाद ना मैं बर्गर बनाऊँगी। अच्छा जी, अब मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। मैं ना इनको इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में कभी एप्पल काट देती हूँ, और कभी जो है ना मैं इनको सर्कल में काट देती हूँ, डिफरेंट शेप में काट देती हूँ ताकि जो बच्चे हैं ना वो खुश हो जाए। और यहाँ पे मैं थोड़े से ना ड्राई फ्रूट्स भी दे देती हूँ कभी कभी साथ में, ताकि बच्चे जो है ना उनको थोड़ी हेल्दी चीज़ें भी मिलती रहें। जी बर्गर और पैटीज मैंने फ्राई कर ली हैं। अच्छा जी, अब मैंने ना बर्गर्स के ऊपर लगा दी है ये केचप और मायो लगाई है, इनको जल्दी से मैं स्प्रेड करूँगी इनके ऊपर, और इनके ऊपर रखूँगी पैटी, मज़ेदार से बर्गर रेडी हो जाए। ओके, लंच बॉक्स जल्दी से रेडी कर ली है, और अबीहा जो है ना वो बोतल वगैरह फिल कर रही है पानी वाली। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दोबारा से स्कूल जा रही हूँ। से बच्चों ने अपनी सारी दुआएं भी पढ़ ली हैं, बस अब स्कूल करीब ही है, थोड़ी देर तक स्कूल आ जाएगा और बच्चे स्कूल चले जाएंगे। अब बच्चों का स्कूल आ गया है और बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल। हस्बैंड का नाश्ता बना लिया है, कल भिंडियाँ बनी हुई थी, भिंडियाँ हैं, रोटी है और साथ चाय। अच्छा, अभी हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और इनको मैं सी ऑफ करने के लिए नीचे आई हूँ। चल जी, अभी हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और आयजा भी सो रही है, और अब जल्दी से मैं ऊपर जाऊंगी और अपना सारा काम ख़त्म करूंगी। सबसे पहले ना मैं किचन साफ़ करूंगी, किचन के सारे बर्तन वगैरह वॉश करूंगी, और उसके बाद सफाई स्टार्ट करूंगी। अच्छा, अब ना जल्दी से मैं सफाई का काम स्टार्ट करने लगी हूँ। पहले मैं ना डस्टिंग कर लेती होती हूँ हमेशा, और उसके बाद ना मैं झाड़ू और पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर भी सोफ़े के ऊपर बच्चे बैठते हैं तो डस्ट वगैरह हो जाती है, चीज़ें वगैरह खाते हैं तो ये चीज़ें वगैरह ना यहाँ पर आती हैं, तो फिर जल्दी जल्दी से ना मैं इनको अच्छे से झाड़ देती हूँ। मैंने उठा दिया और अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। मैं ना रात को ये सब चीज़ें वगैरह उठा देती हूँ, फिर इस तरह ये होता है कि सुबह सफाई करने में ना आसानी होती है। वैसे तो नीट एंड क्लीन पड़ा रहता है, छोटा मोटा जो कचरा होता है ना वही निकलता है, या फिर आयजा ने अगर चिप्स या स्लेंटी वगैरह खानी होती है ना तो वो उसके रैपर वगैरह बस होते हैं। क्योंकि बिहारी माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं और वो वैसे भी घर पर नहीं होती, तो स्कूल से आके वो अकेडमी चली जाती हैं, तो जो थोड़ा बहुत गंद मचाती है ना वो आयजा ही है। तो बस बड़ी होगी तो वो भी समझदार हो जाएगी, अगर बच्चे गंद नहीं मचाएंगे तो उनको बच्चे कौन कहेगा, कोई बात नहीं, बच्चे गंद में जाने के लिए ही होते हैं। लेकिन ना साथ साथ आपको थोड़ा मेरे ख्याल से ना बच्चों को गाइड भी करते रहना चाहिए कि ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह ये होता है कि बच्चों की ना बच्चों को पता चल जाता है कि हमने ये चीज़ इस तरह नहीं रखनी। तो बस यहाँ पर अब जल्दी जल्दी से ना मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा।
तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से घर हो गया नीट एंड क्लीन। मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया है और सारी सफाई हो गई है। सारा घर माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन भी हो गया, किचन का भी काम हो गया और अभी आयजा सो रही। तो जी अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख के घर सारा नीट एंड क्लीन हो गया, किचन भी नीट हो गया, सफाइयाँ भी मेरी सारी हो गई हैं। जब किचन और आपका घर साफ होता है ना तो आप जहनी तौर पे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। बस अब एक टेंशन रह गया कि आज खाना क्या बनाना है। तो जी ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन, आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। मेरे जितने भी मॉर्निंग के काम थे वो सब मैंने आपको दिखाए हैं, जो भी सुबह उठ के मैं करती हूँ। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।